कैसा लग रहा है आपको इंडियाना पुलिस में आके? बहुत अच्छा वेदर है। कुछ बताना चाहेंगे इंडियाना पुलिस? बताने को कुछ रह नहीं गया है, फिर भी बहुत एंजॉय किया। और क्या फर्क है इंडियाना पुलिस और दुबई में? वैसे दुबई अच्छी है। अच्छा, तो आपको क्या है दुबई में? दम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, अपने नए ट्रिप के साथ। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिप और इस बार की वीडियोस पसंद आएंगी। इस दफ़ा मेरे साथ खसूसी मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अहमद ख़ान, और ये आपको बहुत मज़ा आएगा इनके साथ। तो अहमद भाई, कहाँ जा रहे हैं, क्या दिखाने जा रहे हैं आज हम? अभी हम जाएंगे इंडियाना पुलिस, वहाँ पे हम लेकर जाएंगे, दिखाएंगे अमेरिका में इंडियाना पुलिस किसी जगह माहौल के लोग कैसे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसको पसंद आएंगे। ओके, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। हाँ जी अहमद भाई। जी हैदर भाई, क्या खबर है? जा रहा हूँ इंडियाना पुलिस घूमने के लिए, रास्ते में अभी देखते हैं वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं कैसी जगह है, माहौल कैसा। रास्ता कैसा लग रहा है आपको? रास्ता अच्छा है, ट्रक बहुत है लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है दोनों साइड पे। अच्छा, माशाल्लाह, और साफ है बिल्कुल। कुछ कंपैरिजन करें ना यहाँ का और दुबई, यहाँ के रास्तों के बारे में और दुबई के रास्तों के बारे में। दुबई में एक चीज़ है जो ग्रीनरी नहीं है, बाकी दुबई मेरे ख्याल में बेस्ट है। दुबई अच्छी है, ये भी अच्छे है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि दुबई मेरे फेवरेट दुबई है। तो फिर आज कहाँ कहाँ घुमाएंगे फिर आप? आज हम इंशाल्लाह जाएंगे इंडियाना पुलिस, फिर इंडियाना पुलिस में डाउनटाउन जाएंगे, वहाँ पे एक यादगार है जो पुराने ज़माने में जो इसकी आर्मी लड़ी थी, उस जगह पे जाएंगे, वो दिखाएंगे, और रेस्टोरेंट पे जाएंगे, हलाल रेस्टोरेंट अगर मिला तो उस पे जाएंगे, एक मस्जिद है वहाँ पे जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह काफ़ी इंजॉयमेंट होगी, उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिप पसंद आएगा। ओके, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। हाँ जी अहमद भाई, क्या हो रहा है? हैदर भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बस आए हुए इंडियाना पुलिस के डाउनटाउन में, ये मॉल स्क्वायर पे। हमने भी सोचा चलो देख ले, लोग अमेरिका की बहुत वो कर रहे थे तो हम भी आ गए, और ये जगह जो है ये किसी की यादगार में बनी हुई है। ओके, जो पहले मेक्सिकन 1847 में लड़ाई जो हुई थी उसमें जो बंदे थे उसके यादगार में बने हुए हैं। ओके जी, तो कुछ और बताएंगे इस जगह के बारे में? अच्छी जगह है घूमने के लिए, लोग आते हैं। okay. और वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, खूब इंजॉय कर रहे हैं यानी क्या? इंजॉय कर रहे हैं, अगर कोई आना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आ जाए, देख ले, बहुत ज़बरदस्त जगह है। चले भी। और कुछ बताएं इस इलाके के बारे में, इस जगह के बारे में। ये जगह काफ़ी यादगार जगह है, आपको ये मुजस्मा नज़र आया होगा। ओके, किसका मुजस्मा है? ये जेम्स का नाम है, आप इसका नाम पढ़ सकते हो, इसकी जेम्स वाइट। अच्छा, इनका नाम है जेम्स वाइट कॉम, ये गवर्नर इंडियाना के गवर्नर रह चुके हैं 1846 से लेके 1847 तक। तो और कुछ बता दें जरा प्लीज़, ताकि पब्लिक को पता लग जाए आगे बारे में। जो आर्मी थी जिसने लड़ाई में हिस्सा लिया था वो भी इसके नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, 1943 ये सब इसके नाम है। अच्छा, तो ये मतलब ये फौजियों के नाम है क्या है ये? जी ये फौजियों के नाम है। अच्छा, तो ये क्या हुआ था इनके साथ?
इन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया था। ओके और जो इसके साथ लड़ाई में मर गए थे ये सब उसके नाम है। अच्छा 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 जी जी। तो आप इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। आया हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा, अच्छा। है, सन इज शाइनिंग। सही है। हाँ। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे खास लोगों को, स्पेशली दुबई में या पाकिस्तान में? दुबई के जो लोग हैं वो अमेरिका के जितने भी लोग हैं उसके बारे में बिल्कुल ये सोच मत रखिएगा कि वो आप यहाँ पे आके वो आपको सीधा रास्ता बता दें। क्यों ये मतलब क्यों आपके ये लोग बड़े बेवफा लोग इधर? किन की बात कर रहे हैं आप, अमेरिकियों की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तानी यहाँ पे आ जाते हैं ना तो फिर खलास। अच्छा। वो आपका बिल्कुल भी एक किसी भी लिहाज से आपका साथ नहीं देंगे। क्यों? बस यार डर रहे, मालूम नहीं है क्या है। तो आपको देख के ना ऐसे दूर भागते हैं। अच्छा। मालूम नहीं है क्या चीज आई हुई है। दुबई में आ जाओ, हम आपके साथ जिधर आप बोलोगे उधर लेके जाएंगे, एंड तक छोड़ देंगे हम। अच्छा। लेकिन ये आप अपनी बात कर रहे हैं और दुबई के और भी लोगों की बात बता रहे हैं? नहीं, ये दुबई के हर एक बंदे के जो जितना भी मिस्किन हो लेकिन वो कम अज कम आपके साथ जाएगा, आपको रास्ता बताएगा, आपको जगह का। तो क्या यहाँ पे आपको नफसा नफसी लग रही है, क्या लग रहा है? यहाँ पे फुल नफसा नफसी है। मैं 2-3 मस्जिदों में घूमा हूँ, लोगों के साथ मिला हूँ, वो हाथ मिलाने के लिए भी वो नहीं आएंगे, आपसे घबराते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं। बस नाम की चीज है, अमरीका आए हुए, अमरीका ये वो, ये चीजें नहीं है। वाला दुबई इज़ द बेस्ट। अच्छा। मेरे ख्याल में दुबई बहुत अच्छी जगह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जगह खराब है या ऐसी है, अगर बंदा खुद सही है तो हर जगह सही है। सही बात। लेकिन यहाँ पे लोग नफ्सा नफ्सी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, चले ठीक है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में? नहीं और क्या कह दूँ, बस यही जगह है और घूमने के लिए आया था। मैं सोच रहा था थोड़ा घूम लूँ, देख लूँ, लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, हम भी आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोग आते रहिए। उम्मीद है कि आप अहमद भाई जी, जी ये जो सामने बाइक है मोटरसाइकिल ये इस बंदे की है, ये जो बंदा है ना जीन जीन, इस बंदे की लाल शर्ट वाले की। अच्छा। अगर गलती से, अगर मुझसे कोई गलती हो गई और ब्रेक के बजाय अगर एक्सीलेटर दब गया तो ये क्या करेगा हमारे साथ? ये पहले तो ये सोचो भी नहीं कि अब सही सलामत इधर से निकल जाओगे। नहीं मतलब अगर गलती से हो जाए तो ना ही क्या मैं आपको बचा सकूंगा ना कोई, ये इधर आपके बोनट पे बैठा होगा। किधर? इधर बैठा है, सामने बोनट पे बैठा होगा। ओके। और ये सब लोग हमारी तमाशा देखेंगे और ये जितना चीखेगा चिल्लाएगा मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये इसके मुंह से झाग निकलता रहेगा और गुस्सा होगा फाड़ता ऐसे, यानी कोई ऐसा मंजर जैसे वो आपने टीवी में वो जंगली लोगों का देखा हो ना, जो कबीले के लोग होते हैं। हाँ। ये सेम वही है, देखो ना ऐसे ही डर लगते है। उसके बाल देखो शाह, वो ये खुद हो। चले फिर, बाद में मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। ब्याह का मुलाकात का हो। ओके। जिंदाबाद, डेरा मानना। ओके ओके। हाँ जी, क्या दिख गया था आपको? ये इसका कोर्ट है, इंडियाना पुलिस का। ओके। यूनाइटेड स्टेट। देखो कोर्ट मतलब वो जो अदालत कचेरी वगैरह जो? बिल्कुल अदालत कचेरी है, इसके साथ ये छोटा सा पार्क है। ओके। और आज माशाल्लाह बड़े जबरदस्त टूर हुआ हमारा, बड़ी अच्छी सी तफरी मिली, अच्छी जगह पे आए थे और काफी काफी मजेदार। हाँ भाई, क्या खबर है? खबर अच्छी है खेदर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहा है। और कुछ खास बताना चाहेंगे इंडियाना के बारे में, इंडियाना पुलिस के बारे में? इंडियाना पुलिस बहुत अच्छी जगह है और अभी हम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट का नाम जो है दुबई वन, टेस्ट ऑफ दुबई, टेस्ट ऑफ दुबई, सॉरी। तो वो जगह जो रेस्टोरेंट का जो नाम है वो टेस्ट ऑफ दुबई है। यहाँ पे मसला ये है कि आपको हलाल खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं गूगल में, हमने सर्च किया, हम जाएंगे टेस्ट ऑफ दुबई रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हम आप लोगों के साथ खाना भी शेयर कर लेंगे, देख लेंगे कैसा खाना था, टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो बिल्कुल हम बताएंगे लेकिन आप लोग देख लोगे।
जी अहमद भाई। हैदर भाई, अभी हम पहुंच गए ये टेस्ट ऑफ दुबई, हमें एक हलाल रेस्टोरेंट मिला, तो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है। कुछ उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। नाम अगर रखे तो दुबई तो दुबई है, देखते हैं फिर। तो चलो देखते हैं क्या है अंदर। हाँ जी अहमद भाई, फिर रेडी हैं आप? जी बिल्कुल रेडी है, चलो अंदर चल के देखते हैं। जगह तो बहुत अच्छी है, बड़ी है, लेकिन सेम सेम दुबई जैसी लग रही है। तो कोई भी नहीं। अभी देखते हैं। ऑर्डर कर दिया है, अभी खाने का इंतजार है। क्या ऑर्डर किया आपने? हमज बिल लहम चिकन मंदी। हाँ जी अहमद भाई। जी हैदर भाई, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, देखते हैं टेस्ट कैसे है। खाना आप लोगों ने देख लिया, टेस्ट हम बताएंगे। हाँ जी अहमद भाई। जी हैदर भाई, क्या बोल रहा है खाना? खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल दुबई टेस्ट है। ओके, और मतलब जो नाम है इसका टेस्ट ऑफ दुबई, वो वाकई जाहिर भी होता है। बिल्कुल। ओके, और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों से कहेंगे कि यहाँ आएं और खाना खाएं? बिल्कुल, यहाँ पे आ जाए। कौन सी जगह ये? टेस्ट ऑफ दुबई इंडियानापोलिस। तो हमने खाना खा लिया टेस्ट ऑफ दुबई में, और बहुत अच्छा खाना था। आप लोग भी आ जाइए और एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छा खाना मिलेगा आपको, वही दुबई वाला टेस्ट होगा। हाँ जी अहमद भाई, क्या खबर है? जी हैदर भाई, हम ये नूर मस्जिद पे आए हुए असर की नमाज पढ़ने के लिए। ओके। बहुत मुश्किल से मस्जिद मिलते हैं यहाँ पे, तो मस्जिद की कदर करनी चाहिए। सही बात है जी। चलो ठीक है फिर, इंशाल्लाह मस्जिद दिखाएंगे अंदर से, नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद दिखाएंगे। वहाँ पे सारे चाची बैठे हुए हैं, तो मस्जिद दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो ओके नमाज पढ़ते हैं। चलो ओके। हाय अहमद भाई, क्या हो रहा है? यार स्टारबक्स आया हूँ कॉफी लेने के लिए। अच्छा, मालूम नहीं है इधर मिलेगी कॉफी? इधर मिलेगी, अभी विंडो में देगी ये, तो देगी ये तो आदमी लग रहा है मुझे, मालूम नहीं है, कभी पता नहीं चलता आदमी है। ओ तो कैसा रहा आपका ट्रिप सो फार? दा का दो रोला 45 उसे दो। व्हाट यार, थैंक यू, सॉरी। क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं है, पैसा दे दिया उसको। किसको दे दिया? डॉलर। कौन सी कॉफ़ी ली है? लाटे। अच्छा, नॉर्मल? नहीं, मैं तो चाय पी ली थी वहाँ पे, तो अच्छा, फुल हो गया। अपने चाय पी। कीप द चेंज। थैंक यू। कीप द चेंज। यार बड़े पैसे आपके पास, कीप द चेंज। ये चिल्लर मुझे दे दो। Thank you. Can we get some napkins, please? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Make smile again. उसको देखो ना, उसको लेके। किसको देखो? वो चोकरी को। चली गई वो। हाँ जी अहमद भाई। जी। अब तकरीबन हमारे सफर का इख्तिताम हो चुका है। अच्छा। और मैंने तो बहुत enjoy किया। जी। अब मुझे नहीं पता कि आपने इंजॉय किया नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि बस ये वीडियो का अब इख्तिताम है, तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे जो नहीं रिकॉर्ड हो सकी, या जो आपका कोई पैगाम हो, और पूरे दिन को जो है ना एक छोटे से उसमें आप अल्फाजों में ज़रा बयान कर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल हैदर भाई, हमने बहुत अच्छा टूर किया और काफ़ी इंजॉय भी किया, इस बीच में हमने बहुत बातें भी की। हमारे बातों का मकसद सिर्फ ये था कि यानी हम आप लोगों को वो दिखा सके जो हम फील कर,
कर रहे थे और जो हमें महसूस हुआ यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हम मिले हैं, तो हमने इस वजह से उसके ये नफी की क्योंकि ये लोग वो लोग नहीं रह जाते जो पहले थे, सही है, जो पाकिस्तान में हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, नहीं यहाँ पे एक धर्म सहमे हुए से मिलते हैं। बाकी यहाँ की और दुबई की हमने बात की, दुबई ने हमें एक पहचान दिया हुआ है। मैं जब दुबई आया था मेरी सैलरी 1200 दरहम थी, अल्हम्दुलिल्लाह देखो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे ठहरना नहीं है, मैं वापस दुबई जाऊँगा, सही है। लेकिन मैं यहाँ का और वहाँ का कंपेरिजन सिर्फ यहाँ की जो माहौल है, ग्रीनरी है, रोड्स है, फाइन नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पैसा है यहाँ पे, आप कमा सकते हो, आपको बहुत इजीली नौकरी मिल सकती है। दुबई में ये चीज़ें थोड़ी हार्ड है, मुश्किल है, फाइन्स ज़्यादा है, लेकिन जो हमने वहाँ से स्टेप ले लेते हैं ना, हमारे अक्सर पाकिस्तानी दुबई हमारा सेकेंड होम है, तो इस वजह से वहाँ पर हम बिल्कुल मिस्कीन आ जाते हैं, फिर हम वहाँ पैसा कमा लेते हैं और हम दुनिया में वहाँ से चले जाते हैं। तो इस वजह से हमने दुबई के बारे में बात की, यहाँ के बारे में इसलिए बात की, यहाँ पे बेस्ट है, पैसा है, आप पैसे कमा सकते हो, अगर आ सकते हो तो बिल्कुल पैसे के, नौकरी के बहुत चांसेस है। हम बहुत साइन बोर्ड देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा होते हैं स्टार्ट से आपको इतनी सैलरी, वो ये चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते। बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो होती है वो लोग जब आप, हम भी आते हैं एयरपोर्ट पर, वो लोग भी आते हैं, तो ये लोग जो एयरपोर्ट में वहाँ पे जितने बतरान अरबी में उसको बोलते हैं, हश्म कुपर होते हैं, तो जितने बतरान वहाँ पे होते हैं जो इंग्लिश ये लोग बोलते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें हमने फील नहीं की, तो इसलिए हमें लगा कि चेंज है। या इंग्लिश से याद आया, वो आप क्या बोल रहे थे, गरम आलू मुंह में रख दिया, वो हाँ, क्या वो बात लोग है? मिस्किन जो वहाँ पे कस्टम वाले होते हैं तो उसके ऊपर ऐसी इंग्लिश, तो किसकी भाई है, अमेरिकी कस्टम की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो आप ये बड़े लाइन में अच्छे तरीके से आते हैं। अच्छा, जो किनकी बात कर रहे हो आप, ये जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, जो ही पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं और वो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो मसलन पेशावर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो कस्टम वाले मिस्किन ड्यूटी दे रहे होते उसके ऊपर ये लोग ऐसी इंग्लिश टोकते हैं ना, जैसे मुंह में आलू, गरम आलू रखते ना, वो बोलते कमिंग फ्रॉम यूएस इन दिस। यार वो अपना देखो, सब कुछ बोलो लेकिन अपना कल्चर, अपनी जुबान, इस पे आपको प्राउड होना चाहिए। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो हमें भी मालूम होता है पाकिस्तानी है, उसको भी मालूम होता है पाकिस्तानी, लेकिन वो हमारे साथ इंग्लिश में बात करते हैं। अरे यार, हम आए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें भी आती है, लेकिन जो हमारी जुबान है उसमें बात करो ना, जो उसमें अलग टेस्ट होते हैं अपनी जुबान में, मिलने में, ये सब चीज़ों में अलग वो होता है, फीलिंग होती है। तो बाकी जिसको हमारी बात है बुरी लगी उससे भी माजरत, जिसको बुरी नहीं लगी उससे भी माजरत, और जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह हम लोग आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा, वो कल शिकागो गए थे, वो आप क्या बोल रहे थे, मैं लाइव आ गया तो वो बंदा बोल रहा है अजमान है, वो क्या सीन था वो? अच्छा, शिकागो में हम गए थे डेवन एक जगह है वहाँ पे, भाई जब आप चले जाओगे बिल्कुल फुल, आपको जैसे आप अजमान चले जाते हो ना, ऐसी आपको फीलिंग होती है। मैं लाइव में था तो एक दोस्त कह रहा था किधर हो, मैं उसको बोला ये तो ऐसी जगह है, उसने कहा नहीं ये तो अजमान है, आप झूठ बोलते हो। तो काफ़ी जगह है, अच्छी भी है, इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग खूब इंजॉय करेंगे। और हैदर भाई ने माशाल्लाह, उसके साथ आप कोई भी ट्रिप पे जाएगा ना तो वो फुल इंजॉय कर लेगा, और हैदर भाई को लाजम सब्सक्राइब दिया। अच्छा वो सर छोड़ो, एक वो आखिरी, वो अभी आप क्या बोल रहे थे, इधर खेतों में भी मैकडॉनल्ड होता है, वो क्या बोल रहे थे आप? हाँ यार देखो, अभी हम आ रहे हैं खेतों में, तो हम स्टारबक्स पे गए, मैकडॉनल्ड्स था यार, हम पाकिस्तान में अभी हमारे सिटी, आप तो बोल रहे थे दुबई में नहीं है, इधर खेतों में भी मैकडॉनल्ड है, वो बात मुझे समझ नहीं आई। दुबई में है लेकिन बड़ी बड़ी जगहों पे आपको मिलेंगे, मसलन मॉल्स में या बड़े पेट्रोल पंप में, इतना इजी नहीं मिल सकता आपको। पाकिस्तान में पूरे पेशावर में एक मैकडॉनल्ड ओपन हो गया है, उसमें भी अगर आप जाओगे तो इतनी स्कैनिंग होगी आपकी कि आप हैरान हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे देखो खेतों में भी है स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, तो यहाँ पे काफ़ी इंसानियत की कदर भी है, फैसिलिटीज भी है, लेकिन ये है कि हम बहुत दूर हैं अपने मुल्क से, अपने उससे।
और ये जो पब्लिक जा रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? ये लोग ऐसे लोग हैं कि ना आपके ऊपर इसका कोई वो होता है, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से काम रखो, खुश रहोगे और कोई आपको तंग नहीं करेगा। ये चीज़ इधर हमने फील की, हमने देखी। चले फिर बाकी ये कि बता दें आप और पब्लिक को क्या क्या दिखाएंगे अपने इस टूर में। इंशाल्लाह हम जाएंगे वाशिंगटन डीसी भी दिखाएंगे, कैलिफोर्निया भी दिखाएंगे, हॉलीवुड भी लेके जाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे। चलो बहुत बता दिया अभी, थोड़ा सस्पेंस भी रखो, बाकी फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को बताएंगे। तो फिर इंजॉय किया ना आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अहमद भाई फिर इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा, फिर अच्छा, और जगह दिखानी है। और एक बात और बताओ, ये जो अमरीके से वह पाकिस्तान पे लोग आ जाते हैं ना, जो कहते हैं मैं आई कम फ्रॉम अमेरिका, नहीं ये इधर ट्रक ड्राइवर होते हैं वाला, ये इधर ये क्या टैक्सी ड्राइवर होते हैं, वो दूसरा क्या उबर, उबर के ड्राइवर होते हैं, वकाला, कोई ग्रोसरी का होते हैं। तो ये चीजें नहीं सोचो कि ये अमेरिका में गया है वहाँ पे, ये बिल्कुल ब्यूट, ये क्या नाम है इसका प्रेसिडेंट का, बाइडन के साथ ये बिल्कुल साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। ये ऐसी कोई चीज भी नहीं है, पैसा हर चीज में हलाल रिज़्क कमाओ बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ड्राइविंग बुरी चीज है, ये चीज है, लेकिन इन लोगों का जो अल्टीट्यूड ऊपर चला जाता है ना, मुझे वो चीज, उस चीज पे मुझे गुस्सा आता है। बाकी कुछ, मैं आया हूँ अमेरिका, यहाँ पे मैं वो ही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, मैं जो सच होगा सच बताऊंगा, झूठ होगा वो ही होगा, लेकिन मैं ये झूठा वो खुद को इतना वो नहीं करूंगा कि आपके साथ आप मुंह में गर्म आलू रख के और इंग्लिश बोल दो अमेरिकन ऑडियंस, नहीं ये कुछ चीजें नहीं है यार। मतलब अभी मुझे लग रहा है लंबी हो गई है अभी और पब्लिक यार, आप मुझे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी और भी जगहों में जाना है ना, ये फिर सारी रात की बात है, अभी आप बता दोगे तो फिर बाद में क्या रहेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी वो दिल का वो निकालने दो, अभी तो और भी बहुत सीन आएंगे, हम इसको एयरपोर्ट में बहुत सह चुके हैं, ये अभी कुछ बोल दूंगा यार। ये लोग लाइन में भी खड़े नहीं होते, सीधे ऐसे कस्टमर के पास चले जाते हैं, आई एम गोइंग टू अमेरिका। गोइंग टू अमेरिका क्या है, नॉर्मल चीज है अमेरिका, अमेरिका यार छोड़ो खाली बोले, इतनी वो चीजें नहीं करो। यहाँ पे आ जाते हो टैक्सी ड्राइवर बन के आ जाते हो, या भागा हुआ आ जाते हो, किसी खेत में काम करते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, तो भाई जो आपकी हैसियत है वो हमने देख ली आज। अच्छा वाला 15 साल से यहाँ पे लोग टेरे हुए हैं और हमने देखा कि ऊबर चला रहा है, सही है। तो हमारे सामने अगर मैंने बिर कोई भी अमरीकी वीजे वाला, मेरे साथ 5 साल का वीजा है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, वल्ला नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा दुबई जाऊंगा, मुझे दुबई ने एक पहचान दी है और मैं वहीं पे रहूंगा। जजाकल्ला। ओके एवरीवन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।